नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? फिर से स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग्स में। दोस्तों आज का मौसम भी कल की तरह ही बहुत ही हवा चल रहा है आज, और जैसे सकते आज बादल भी लगा हुआ है। कल बादल नहीं लगा हुआ था लेकिन आज बादल लगा हुआ है और पुरवैया हवा चल रहा है, तो आंधी जैसे हवा चल रहा है। थोड़ा थोड़ा सा जो है ठंडा ठंडा महसूस भी हो रहा है, लेकिन सुबह सुबह का मौसम है तो सुहाना लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, महसूस हो रहा है। मैं आ गया हूँ घूमने के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए। तो दोस्तों अभी जो है ना इस समय का व्यू तो कुछ इस प्रकार का है, जैसे तो बादल लगा हुआ है, ठंडा मौसम है, लेकिन अब देखते हैं दिन भर कैसा रहता है, क्योंकि दोस्तों बादल लगा हुआ है। फिलहाल दोस्तों अभी चलते हैं, आगे से घूम के आएंगे और फिर दोस्तों घर पे मिलते हैं। और आज जो है ना थोड़ा माल लाने भी चलना है, क्योंकि प्लाजो व्लाजो सब खत्म हो गया है। कुर्ती सब तो नाइटी सब तो है, लेकिन प्लाजो सब सेल होता है इस समय में थोड़ा ज़्यादा, तो प्लाजो सब खत्म हो गया है। तो चलेंगे लाने माल। फिलहाल दोस्तों इधर से घूम कर पहले घर पर मिलते हैं। अभी थोड़ा सा सरिया लेते हैं माल को दोस्तों, इसमें जो सब उसमें कमी है इसमें का स्टॉक में का उसमें डाल लेते हैं, सबको सरिया लेते हैं, फिर मिलते हैं। आ गया हूँ और पानी भर रहा हूँ, देख सकते हैं पानी भर गया। इस चक्का में भर लेते हैं पानी, एक आदमी में ब्रश करेंगे, ये ब्रश रखा हुआ है, ब्रश करके स्नान करके फिर मिलते हैं। 8:30 हो रहा है दोस्तों, अभी स्नान स्नान करके मैं पूरी तरह से रेडी हो चुका हूँ और अभी चलते हैं, खाना खाते हैं, फिर चलेंगे सीतामढ़ी। तो खाना भी खा भी करती है, जैसे तो तरुआ पकौड़ी है दोस्तों, तो अभी खाते हैं, चावल ला रही है भाई। तो दोस्तों आज का खाना हमारा यही है, देख सकते हैं इधर तरुआ है, चावल है और दाल है। तो चलिए खाना खाते हैं। और दोस्तों गांव देहात में जो है ना, जब कर कुटुम आता है, मेहमान लोग आता है, तो उनके जो है स्वागत के लिए इसी प्रकार का भोजन बनता है। तो मेरे जीजा जी आए हुए हैं, तो इसी के अवसर पर, अवसर बोले या खुशी बोले, मेहमान बाजी के लिए यही खाना बना हुआ है। तो चलिए खाते हैं और फिलहाल दोस्तों खा के और फिर मिलते हैं। तो दोस्तों अभी मैं घर से निकल चुका हूँ खाना वाना खा करके। सबसे दोस्तों सीतामढ़ी मार्केट थोड़ा सा मेल ख़त्म है तो लेकर आते हैं, और चलिए फिलहाल दोस्तों मिलते हैं सीतामढ़ी मार्केट में पहुँच करके। तो दोस्तों फाइनली अभी आ गया दुकान में और चलता हूँ दोस्तों माल छांटता हूँ। जैसे प्लाजो देख रहे हैं ये सब छांटना है इसमें से, इधर नाइटी है और इधर प्लाजो है, सब सब साइज का, तो छांटते हैं। इधर हाथी प्लाजो सब है, नाइट पैंट सब है, शर्ट सब है, तो शर्ट सब नहीं लेना है, खाली जो सब लेना है वो सब लेते हैं। इधर हाफ पैंट है, इधर टी शर्ट है, देख सकते हैं हर प्रकार का कपड़ा है। तो चलिए जो जो मुझको लेना है वो सब छांट लेते हैं, छांट उठ करके जो है ना ऊपर ले चलेंगे, हिसाब कराएंगे। फिलहाल दोस्तों सबको छांट लेते हैं। दोस्तों अभी हमारा माल छटा गया, देख सकते हैं इधर हिसाब सब सारे कर लिए हैं, हो गया हिसाब, और सबको जो है ना बोरा में लोड करते हैं। तो अभी जो है ना 1 बज रहा है और आज हमारा एक ही दुकान में माल लिए, फिर भी एक ही दुकान में 1 बज गया सीतामढ़ी में। तो चलिए चलते हैं घर की तरफ, और आज है ना 7,500 का माल हुआ, 7,400 का माल हुआ है, क्या क्या हुआ है घर पे चल के बताते हैं। फिलहाल दोस्तों घर पे पहुंचते हैं। दोस्तों अभी थोड़ा सा पानी पिए हैं, यहाँ पे कॉल है, देखते हैं तो पानी पी लिए और दोस्तों अब चलते हैं। तो जो है ना फुलवत माता का स्थान है, देख सकते हैं, और ये जो है ना सीतामढ़ी से सीधे बसंतपट्टी पुरनैया को ये रोड जाता है, तो इसी रास्ते पर ये मंदिर पड़ता है स्थान फुलवत माता का। तो पानी के लिए चलते हैं दोस्तों घर पर। खाली दोस्तों अभी आ गया घर, टाइम 2:15 हो गया, 2:30 बज गया दोस्तों। तो यही बोरा है, देख सकते हैं एक ही बोरा में आ गया है 7,400 का माल, क्या क्या है दिखाते हैं। फिलहाल अभी खाना खाते हैं, उसके बाद में सबको निकालेंगे। और
प्लाजो बहुत सारा प्लाजो 90 से कम है तो उसमें डालेंगे। तो पहले खाना खा लेते हैं। तो चलिए दोस्तों खोलते हैं और निकालते हैं, देखते हैं क्या क्या है। जीरो साइज ब्लूमर है, देख सकते हैं 6 बंडल। दो साइज का बंडी टी शर्ट लोकल वाला, जीरो साइज और उसका थोड़ा 12 साइज यानी कि 0 साइज और साल भर वाला बच्चा का है। तो 2 साइज ये है बंडी सेट वाला, ये टी शर्ट है, ए कुर्ती है, कुर्ती कपड़ा वाला हाफ पैंट है। तो 3 साल 4 साल बच्चे का है। डबल एक्सल नाइट पैंट है, हाफ पैंट है। दो साइज का टी शर्ट है लड़की का, सबसे 12 और 10-12 साल 2 साइज का है। ये 3-4 साल बच्चे का प्लाजो है, 7-8 साल का। ये 12 साल का है और ये 10 साल का। 4 साइज का प्लाजो, एक और साइज सबसे 12 साइज, 5 साइज का प्लाजो है। तो दोस्तों टोटल प्लाजो हो गया 5 साइज पूरा, और ये दो बंडल टेप है। और ये सिफोन में ओढ़नी है, सिफोन कलर, सिफोन में सब कलर का है। और ये नाइटी है, नाइटी दो बंडल सेमी है बांधने वाला। नाइटी एक ही आ पाया है क्योंकि मनी थोड़ा कम था इसके लिए। और ये कुर्ती देखते हैं दोस्तों, यही माल है सारे देख सकते हैं। तो सारे को जो है जो जो आइटम उसमें प्लाजो लाइज नाइटी से जो कम है उसको वो कैरेट में डालते हैं, और उसके बाद में जो बच जाएगा तो इस बोरा में रख के और साइड में अच्छे से रख देंगे। फिलहाल दोस्तों सबको सरिया लेते हैं। हाँ जी दोस्तों, सारे को सरिया लिया, कुछ आइटम जो है ना सरियाने का बाकी है, और इधर इतना लगा दिए हैं देख सकते हैं, और बोरा में रह गया है देख सकते हैं प्लाजो कुर्ती। तो इसको जो है ना यहाँ पर रख देते हैं, कुर्सी पर रख दिए यहाँ पर। और जो दोस्तों टी शर्ट वी शर्ट जो है लगाने का, और नाइटी व्यूटी और पैंट वूट बांधने का, तो जाते समय कल बांधेंगे, अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। और दोस्तों अभी 3:30 हो रहा है और अभी सरिया ही रहे थे कि देख सकते हैं बाहर का व्यू दिखाते हैं। अभी टॉर्च जलाना पड़ रहा है क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया, दिखाते हैं ना अंधेरा है। बोली पड़ लगे आंधी उखड़ गया दोस्तों, देख सकते हैं पूरी तरह से अंधेरा हो गया है। इधर से देख सकते हैं किस तरह का मौसम हो गया, आंधी उखड़ गया अभी देख सकते हैं, और बारिश भी आने वाला है। तो चलिए देखते हैं बारिश होता है कि नहीं। बिजोर आंधी है दोस्तों देख सकते हैं,
देख सकते हैं दोस्तों कितना बड़ा बड़ा बूंदी पड़ रहा है, बारिश आ गया। देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा बूंदी बारिश हो रहा, थोड़ा थोड़ा भी हो रहा है दोस्तों, बारिश होना चालू हो गया है। और इधर तो पूरी तरह से अंधेरा है, देख सकते हैं। और बादल देख सकते हैं कितना दौड़ रहा है, आ गया बारिश आ गया दोस्तों, कितना बड़ा बड़ा बूंदी पड़ रहा है देख सकते हैं। आ जा तेज। दोस्तों फाइनली अभी बारिश खूब तेज हो गया है, देख सकते हैं आंधी भी बह रहा है और बारिश भी तेज हो गया है। तो कस के थोड़ा और कस के हो जाता तो मज़ा आ जाता, क्योंकि पूरा खेत के जो है ना पूरा तरह से पानी की जगह हाल पूरी तरह से हो जाएगा तो अच्छा रहेगा खेत में। तो इसलिए पानी की जरूरत है खेतों के किसान भैया, यानी कि खेती बाड़ी करने के लिए। और गर्दा भी बहुत ज़्यादा उड़ रहा था, इस तरह से जो है ना ठंडा हो जाएगा पूरा धरती, ठंडा हो जाएगा। तो बारिश तो हो रहा है, थोड़ा देर ऐसा ही होता रहे तो अच्छा है, बहुत ही अच्छा रहेगा।